हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो मिला। दोस्तों 24 अगस्त को होने वाली श्री रामायण यात्रा को IRCTC ने कम पैसेंजर होने के कारण कैंसिल कर दिया था, लेकिन प्रभु श्री राम के भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से श्री रामायण यात्रा पैकेज को फिर से लॉन्च कर दिया है, वो भी बजट पैकेज में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम श्री रामायण यात्रा बाई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन LTC अप्रूव्ड है। 17 नाइट्स और 18 डेज वाले इस टूर पैकेज की टूर डेट है 18 नवंबर 2022 और इसमें जो डेस्टिनेशन कवर्ड है वह है अयोध्या, भद्राचलम, चित्रकूट, हम्पी, जनकपुर, नंदीग्राम, नासिक, प्रयागराज, रामेश्वरम, श्रृंगवेरपुर, सीतामढ़ी और वाराणसी। अब बात करते हैं कि आप लोग कौन कौन से डेस्टिनेशन में कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करने वाले हैं। तो अयोध्या में आप लोग राम जन्मभूमि टेम्पल, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, नंदीग्राम में भरत हनुमान टेम्पल और भरत कुंड, जनकपुर में राम जानकी टेम्पल, सीतामढ़ी में जानकी मंदिर और पुनौरा धाम, बक्सर में राम रेखा घाट, रामेश्वरनाथ टेम्पल, वाराणसी में तुलसी मानस टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और गंगा आरती, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में सीता माता टेम्पल, प्रयागराज में भारत ध्वज आश्रम, गंगा यमुना संगम और हनुमान टेम्पल, श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि समाधि और शांता देवी टेम्पल, रामचौरा, चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, रामघाट, सती अनुसुईया टेम्पल, नासिक में त्रयंबकेश्वर टेम्पल, पंचवटी, सीता गुफा, काला राम टेम्पल, हम्पी में अंजनाद्रि हिल, विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी टेम्पल और धनुषकोडी, भद्राचलम में श्री सीताराम स्वामी टेम्पल और अंजना स्वामी टेम्पल को विजिट करेंगे। अब बात करते हैं कि इस यात्रा पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी 3rd AC क्लास में भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से होगी। नाइट स्टे करने के लिए यदि आप लोग कंफर्ट पैकेज लेते हैं तो एसी रूम्स आप लोगों को स्टैंडर्ड होटल में दिया जाएगा। यदि आप लोग सुपीरियर पैकेज लेते हैं तो आप लोगों को एसी रूम्स डीलक्स होटल में प्रोवाइड किया जाएगा। वॉश और चेंज करने के लिए यात्रा कार्यक्रम के अनुसार होटल में नॉन एसी रूम्स की सर्विस मिलेगी। ऑन बोर्ड ट्रेन में वेज मील्स दिया जाएगा। ऑफ बोर्ड वेज मील्स आप लोगों को गुड क्वालिटी के रेस्टोरेंट, होटल, बैंकट या फिर आप लोगों को सर्व किया जाएगा। ऑल ट्रांसफर और साइट सीइंग प्लेसेस को विजिट करने के लिए नॉन एसी बस की सर्विस मिलेगी। सभी पैसेंजर का ट्रेवल इंश्योरेंस रहेगा। ट्रेन में सिक्योरिटी की सर्विस मिलेगी। सारे एप्लीकेबल टैक्स इस टूर पैकेज में शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज के माध्यम से आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। तो यदि किसी भी मोनूमेंट या किसी भी अदर प्लेसेज में कोई एंट्री चार्ज लगता है तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इस टूर पैकेज में बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं शामिल है। मेज सारे प्रीसेट, इसलिए चॉइस ऑफ मेनू के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है। यदि आप लोग रूम सर्विस चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी ड्राइवर, गाइड, वेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव को आप लोग टिप्स देना चाहते हैं तो अपने पैसे पे दे सकते हैं। टूर पैकेज से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों का जो भी पर्सनल नेचर से संबंधित एक्सपेंसेज होगा, जैसे कि लॉन्ड्री, वाइन, मिनरल वाटर, फूड और ड्रिंक्स, इनके लिए आपको स्वयं ही पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस यात्रा पैकेज में आप लोगों को बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो बोर्डिंग पॉइंट्स में दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल और लखनऊ जंक्शन होंगे। डिबोर्डिंग पॉइंट्स में वीरांगना, लक्ष्मीबाई, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और दिल्ली सफदरजंग होंगे। अब बात करते हैं टूर प्रोग्राम के विषय में। तो आप लोगों की जर्नी दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से जनकपुर, जनकपुर से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से बक्सर, बक्सर से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज, प्रयागराज से चित्रकूट, चित्रकूट से नासिक, नासिक से हम्पी, हम्पी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से भद्राचलम और भद्राचलम से दिल्ली के लिए आप लोगों की जर्नी होगी। दोस्तों इस यात्रा पैकेज को बुक करने से पहले इसके टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे आगे चलकर आप लोगों को इस यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम न हो। और दोस्तों आप लोगों के हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को बुकिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या इस टूर पैकेज से संबंधित आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग यहां से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि टेम्पल दर्शन और मोनूमेंट्स के साइट सीइंग प्लेसेस को विजिट करने के लिए आप लोगों के पास COVID-19 फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है, या टूर के दौरान आप लोगों के फ़ोन में इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस यात्रा पैकेज में आप लोगों का कितना चार्ज लगने वाला है। तो यदि आप लोग कंफर्ट पैकेज लेते हैं तो सिंगल शेयर पर पर्सन चार्ज है 68,980 रुपीज़, डबल और ट्रिपल शेयर पर पर्सन चार्ज है 59,980 रुपीज़, चाइल्ड 5 to 11 ईयर्स 53,985 रुपीज़। यदि आप लोग सुपीरियर पैकेज लेते हैं तो सिंगल शेयर पर पर्सन चार्ज है 82,780 रुपीज़, डबल और ट्रिपल शेयर पर पर्सन चार्ज है 71,980 रुपीज़, चाइल्ड 5 to 11 ईयर 64,785 रुपीज़। तो दोस्तों ये थी इस यात्रा पैकेज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।